नमस्कार, मैं प्रभा कुमारी, लेक्चरर CDDM GWPC सांगानेर से। पिछले वीडियो में मैंने आपको फ्रेम पायजामे की ड्राफ्टिंग बताई थी, फिर उसका एस्टिमेशन बताया था। तो आज मैं उसको फैब्रिक पे कैसे काटते हैं, कटिंग ऑफ प्लेन पायजामा, वो बताने जा रही हूँ। इसके लिए हमें जो पेपर पैटर्न बनाना होता है वो फुल साइज़ का बनाना होता है। तो ये छोटा स्मॉल साइज़ का बनाया है मैंने, लेकिन क्योंकि जिस लेंथ का हमको चाहिए फुल मेजरमेंट से बनाएंगे, तो ये हम मान के चलते हैं कि फुल साइज़ का पेपर पैटर्न है, ये फैब्रिक है। अब हम इसको उस पर रख के कैसे काटेंगे, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि कपड़े का सीधा साइड कौन सा है। ये वो हम कपड़े की शाइन से पता कर सकते हैं और जो सेल्वेज किनारी है उससे हम पता कर सकते हैं। तो जब हम कपड़ा काटते हैं तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। तो वो क्या हैं वो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो कपड़े की सेल्वेज है, किनारी है, वो कहीं खिंच तो नहीं रही, क्योंकि जो फैब्रिक मेन फैब्रिक होता है उसके बीच में वार्प धागे जो हमारे होते हैं उसमें जितना डिस्टेंस होता है उससे ज़्यादा उससे कम डिस्टेंस होता है सेल्वेज में, या जो धागे की मोटाई होती है वो उससे ज़्यादा होती है, इसलिए वो अलग ही स्टिफ सी नज़र आती है। तो अगर कई बार लगता है कि बहुत ज़्यादा वो स्टिफ सी है और खिंच रही है, तो हमको वो सेल्वेज कट कर देनी चाहिए सबसे पहले तो, ताकि हमारा जो फैब्रिक जो गारमेंट बने वो हमारा प्रॉपर अच्छे से बने। उसके बाद हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको किस ग्रेन में काटना है। अगर हमारा कपड़ा फैब्रिक जो पेपर पैटर्न है उसका ग्रेन क्या है, उसके हिसाब उस डायरेक्शन में हम उसको रखेंगे, ये स्ट्रेट ग्रेन है तो ये हमारा सेल्वेज है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा स्ट्रेट ग्रेन हो गया, तो हमको ऐसे ही रखना है, हम ऐसे नहीं रखेंगे। अगर कोई फैब्रिक ऐसा है, पैटर्न ऐसा है जिसमें हमने डिज़ाइनिंग के तौर पर किया है, या अगर वो बनता ही क्रॉस ग्रेन में है, तो फिर हम जो प्लेस करेंगे मार्किंग के लिए उसको, वो ध्यान रखें वो हमारा क्रॉस ग्रेन में होगा। तो हम ग्रेन पे ग्रेन लाइन का ध्यान रखें। ये फैब्रिक मेरे पास बचा हुआ है इसलिए वन साइड ही सेल्वेज नज़र आ रहा है, इसमें दूसरी साइड नहीं है। नॉर्मली फैब्रिक हम लेके आते हैं दोनों साइड सेल्वेज होता है, तो यहाँ ये मान के चलते हैं ये भी सेल्वेज हैं। और अब इसको हम कैसे काटेंगे, ऑन फोल्ड वाला पायजामा बनाना है हमको, तो हमें कैसे बनाना है, तो इसके लिए हमने ये देख लिया कि हमारी ये सेल्वेज खिंच नहीं रही है, रखा। और जब हम इसको फोल्ड करते हैं, हमने पूरा ऑन फोल्ड में इसको एक बार किया, हम इसको रखेंगे, हम देखेंगे कि ये किस तरह से हो रहा है। ये ऑन फोल्ड है, ये ऑन फोल्ड आ गया। अगर हम इसको ऐसे ही प्लेस करते हैं तो पता लगता है हमने ये सीम अलाउंस इसमें ऐड किया हुआ है, इस तरह से करेंगे तो ये कपड़ा हमारा बचेगा इतना सा, और ये बाकी का कपड़ा बचेगा। तो दो पीसेज में छोटे छोटे पार्ट्स बच गए। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि अगर इस तरह से हम बना रहे हैं तो हम ये सोचें, ये कपड़े को अरेंज ऐसे करें कि हमने जितना हमको मैक्सिमम विड्थ का कपड़ा चाहिए फोल्ड में, हम केवल उसको उतना ही फोल्ड करें, इस तरह से जैसे हमने ये किया। तो ये पीस हमारा एक्स्ट्रा बड़ा पीस निकल गया, वो हम किसी और काम में ले सकते हैं, तो इस तरह से कर लेंगे, ये करते हैं। उसके बाद ये ध्यान रखना है हमारा जो कपड़ा है वो सीधा नहीं कटा हुआ है, जैसे ये ऑफ ग्रेन है, आप देख पा रहे हैं ये छोटा पीस है, ये स्ट्रेट नहीं है, तो इसका भी हमको ध्यान रखना है। ये कम अगर हिस्सा है तो हम पूरा हमारा कहाँ पर आ रहा है, हम वहीं पे रखेंगे इसको, जैसे अब आप देख पा रहे होंगे ये, अब यहाँ से भी सही हो गया, हमको ऊपर से नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ से लेंगे तो ये वाला कपड़ा हमारा नहीं आएगा, ये सीधा रह गया, ये हमने पूरा फोल्ड पे, ऑन फोल्ड है तो ये ऑन फोल्ड ही है हमारा। और इस तरह से ये हम इसको टेलर स्टॉक से ये आप देख रहे हैं, ये ट्रेस हो गया हमारा। एक तरीका तो हमारा ये है, हमने ये एक बार इसको ट्रेस किया
सब सही है तो हम दोबारा इसको इस तरह से रखें दूसरा पार्ट और हम इसको ट्रेस करें। लेकिन क्योंकि हमारे ये फोर पीसेज हैं और सेम है, हमारा इसमें कोई चेंज नहीं है, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि ये हमने किया, हम यहाँ से हमने इस फैब्रिक को इस तरह से कर लिया, तो यहाँ भी ऑन फोल्ड हो गया है और नीचे से भी ऑन फोल्ड हो गया, तो चार पीस एक साथ हो जाएंगे हमारे, एक साथ कट जाएगा। लेकिन जब इस तरह से कर रहे हैं तो हम ये ध्यान रखें कि यहाँ हम ये वाली ऊपर वाली लेयर तो हमको नज़र आ रही है कि यहाँ इतना हमको चाहिए था, इतना है, लेकिन हम यहाँ भी ध्यान रखें कि नीचे वाली जो लेयर है वो भी हमारी उतनी ही हो, ऐसे नहीं रहे कि अगर मुड़ जाए वो कपड़ा या हम जो फोल्ड कर रहे हैं अगर वो कम रह गया तो हमारा फ़र्क आ जाएगा। तो हमने इस तरह से किया, हमने देख लिया कि हमारा कपड़ा बिल्कुल सही आ रहा है, ये हो गया सारा, और अब इसको हम काट देंगे। जब कटिंग करते हैं कपड़ा हाथ में नहीं लेना चाहिए, टेबल पे रहना चाहिए, और जो हम सीज़र है उसको टेबल के सपोर्ट पे रख के हम उसको कट करेंगे। हमने ये काटा और एक्स्ट्रा हमको सीधा नहीं काटना क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए, हमें किसी और काम में आ सकता है। उसके बाद ये काट दिया, सब देख लिया इक्वल है, उसके बाद हमने यहाँ से इसको काट दिया। तो ये हो गया और ये वाले पार्ट हमारे, इतना हमारा ये फोल्ड होना है क्योंकि ये फोल्ड होगा तो इसी तरह से ये वाला शेप आ जाएगा हमारा, नीचे भी हमारा फोल्ड होगा वो हमने इसमें ले लिया है सारा सेम अलाउंस, और हम जैसे हम दिखा फोल्डिंग हमने ले ली है, ये सारा हो गया। इस तरह से हमारा ये अंदर हमारा ओपनिंग फ्रंट वाला साइड है। जब हम कपड़े को काटते हैं तो जब मार्किंग करते हैं उल्टी तरफ, ये वाला हिस्सा हमारा उल्टी तरफ था, तो जब आप काटते हैं उसी वक्त आप इसको ड्राउंड करके कर दीजिए ताकि आपको पता रहे कि अंदर वाला ये फैब्रिक तो ऐसा है जिसमें कि हम इजीली फ्रंट और बैक देख पा रहे हैं। लेकिन कई बार हमारे फैब्रिक इस तरह के होते हैं कि सेल्विस के अलावा फिर हम उसको बहुत मुश्किल होती है ये पता लगाने में कि उसका फ्रंट हिस्सा कौन सा है और रॉन्ग साइड वाला कौन सा है, तो उसके लिए रॉन्ग साइड पर फिर आप उसको क्रॉस लगा दें। तो ये इस तरह से बन गया है, तो ये मेथड था जिससे कि हम कपड़ा किस तरह से काटते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको कैसे सिलेंगे, स्टिचिंग मेथड क्या है वो बताऊंगी। धन्यवाद।